दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नू बाबा में। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों आपको पता होगा कि ऑलरेडी रसिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया है, रसिया का इन्वेजन स्टार्ट हो चुका है यूक्रेन में। तो मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि अभी तक क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स रहे हैं, किस कंट्री का क्या रिस्पॉन्स रहा है, इंडिया का क्या रिस्पॉन्स रहा है, और अभी तक जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो बताऊंगा। और फिर लास्ट में ये भी बताऊंगा दोस्तों कि क्या रीजंस है, क्या कारण है जिसके चलते रसिया ने यूक्रेन पर अटैक किया है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें अमेरिका का क्या रिस्पॉन्स रहा है। तो अमेरिका का रिस्पॉन्स ये रहा है दोस्तों कि अमेरिका ने G7 की मीटिंग बुलाई है। आप देख सकते हैं जो बाइडन का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, इस पर जो लेटेस्ट ट्वीट है 6 घंटे पहले आई है, इस पर बताया गया है कि जो बाइडन ने G7 के लीडर से बात की है और उनके साथ फुल एग्रीमेंट किया है कि वो रसिया पर कुछ सैंक्शन लगाएंगे, इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएंगे और ऐसा कुछ करेंगे जिससे रसिया को ग्लोबल इकोनॉमी से बाहर निकाल दिया जाए और जो रशियन मिलिट्री और रशियन कंपनीज है उन पर फाइनेंशियल सैंक्शन लगाया जाए। तो ये जो बाइडन का लेटेस्ट ट्वीट है दोस्तों। बताना चाहता हूँ रसिया ने के इन्वेजन से पहले ही जब डोनबास के एरिए में सेपरेटिस्ट रीजन को रसिया ने जब स्वीकृति दे दी कि मतलब बोल दिया कि अब ये इंडिपेंडेंट स्टेट है और जो सेपरेटिस्ट रीजन है यूक्रेन का, आप अगर इस इवेंट को पूरा चेक कर रहे हैं शुरुआत से तो आपको पता होगा कि यूक्रेन में कुछ रीजन्स है जो रसिया से लगे हुए हैं, जो जिनका नाम डोनबास है। डोनबास एरिए में कुछ सेपरेटिस्ट ऑलरेडी कंट्रोल कर चुके हैं उस एरिए को और वहाँ से जो यूक्रेनियन फोर्सेस हैं वहाँ उनको खदेड़ चुके हैं और उस एरिए को अपने कब्जे में ले चुके हैं। तो अटैक करने से पहले, इन्वेजन से पहले ही रसिया ने उन एरिए को मतलब इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था और वहाँ पर पीस कीपिंग फोर्सेस के नाम से अपने फोर्सेस को भेजकर उस एरिए को पहले ही कंट्रोल में ले चुका है। तो जैसे ही ये एक्ट किया रसिया ने, उससे उसके बाद ही सबसे पहले अमेरिका ने क्या किया कि जो पहला फाइनेंशियल सैंक्शन था दोस्तों वो था स्विफ्ट चैनल से रसिया को बाहर निकालना। आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपको पता होगा थोड़ा बहुत स्विफ्ट के बारे में, तो स्विफ्ट एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का माध्यम है, मतलब एक चैनल है जिसके थ्रू दुनिया में जितने भी बिजनेस होते हैं, दुनिया के दो बड़े बैंक मतलब एक बैंक अमेरिका का एक बैंक इंडिया का, दोनों आपस में ट्रांजेक्शन करेंगे तो जो मैसेज जाएगा ट्रांजेक्शन का वो एक चैनल से होके जाता है जिसका नाम स्विफ्ट है, जो कि अभी जो वेस्टर्न पावर्स है, वेस्टर्न ब्लॉक है, उनके कंट्रोल में है। अगर किसी कंट्री को स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया जाता है दोस्तों, तो वहाँ के बैंक, वहाँ की कंपनियाँ कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगी और जो डॉलर डोमिनेटेड ट्रेड है उससे बाहर निकल जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि अगर किसी को स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया गया तो मतलब वहाँ के बिजनेस को सर्वाइव करना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो ये काम ऑलरेडी हो चुका है। अब रसिया के पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि वो बार्टर सिस्टम में ट्रेड करे, बार्टर या दो कंट्री के बीच में जो आपस में करेंसी है उसमें करेंसी स्वैप करके वो ट्रेड करे। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यूनिटिव सैंक्शन है दोस्तों, ये ऑलरेडी लगा चुका है अमेरिका। और अब देखते हैं कि जो रशियन प्रेसिडेंट है उनका क्या चल रहा है, वहाँ क्या डेवलपमेंट्स हुई है। तो दोनों ही यूक्रेन और रसिया दोनों ही अपने अलाइज से कॉन्टैक्ट बना रहे हैं, बातें कर रहे हैं। जैसा देख सकते हैं रशियन प्रेसिडेंट की तरफ से जो लेटेस्ट ट्वीट आया दोस्तों, ये है कि इन्होंने सैयद जो ईरान के प्रेसिडेंट है सैयद इब्राहिम रैसी, उनसे बात की है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किया है। और दूसरा जो इमरान खान है जो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, वो विजिट पर हैं रसिया में, तो उनसे मिल रहे हैं। ये डेवलपमेंट्स अभी रसिया में हुई है, कोई ऐसा बयान आया नहीं है कि इन्वेजन को रोकने के लिए या फिर जो भी अटैक को बढ़ाने के लिए, कुछ ऐसा अभी ट्वीट आया नहीं है। और ये है ट्विटर हैंडल, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल जेलेंस्की जी का, जो कि प्रेसिडेंट है यूक्रेन का। इन्होंने लेटेस्ट अभी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किया है, फ़ोन पर बात की है जस्टिन ट्रूडो से, जो कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो ये तो था वेस्टर्न और जो कनाडा, ये सॉरी यूक्रेन और रसिया का रिस्पॉन्स, अमेरिका का रिस्पॉन्स, वेस्टर्न पावर का रिस्पॉन्स। लेकिन अब देखते हैं, देखिए आप, ये न्यूज़ आई है कि जो अमेरिका चाहता है, कि रसिया पर प्रेशर बनाए इंडिया। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि रसिया और इंडिया के जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे हैं, हम एक फ्रेंडली कंट्री हैं। और व्लादिमीर पुतिन अभी लेटेस्ट हमारे यहाँ विजिट पर आए थे जब कोरोना काल चल रहा है, कोई किसी के यहाँ जा नहीं रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं जो चाइना के प्राइम मिनिस्टर हैं, ऐसी न्यूज़ आती है कि वो तो कभी बाहर ही नहीं निकले पूरे मतलब इसमें कोरोना काल में। तो इस कोरोना काल में भी रशियन प्रेसिडेंट हमारे यहाँ विजिट पर आए थे। इससे पता चलता है कि जो रसिया और इंडिया का रिलेशन है वो काफ़ी अच्छा है दोस्तों। बताना चाहता हूँ, जो भी हमारे मिलिट्री हार्डवेयर है, मिलिट्री कंपोनेंट्स है, वो 60% से ज़्यादा रशियन ओरिजिन है। मतलब हम मिलिट्रली काफ़ी ज़्यादा मतलब डिपेंडेंट हैं रसिया पर। और अभी हमने S-400 जो दुनिया का सबसे एडवांस मिसाइल सिस्टम माना जाता है, एडवांस डिफेंस सिस्टम माना जाता है, उसको हमने परचेज किया है। तो मतलब काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं हमारे।
और हम पर कोई सैंक्शन भी नहीं लगाया गया अमेरिका की तरफ से। तो इससे पता चलता है कि मतलब जो इंडिया है वो एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है वेस्टर्न ब्लॉक और रसिया के बीच में। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बात की है रसिया से, रशियन प्रेसिडेंट से बात की है, और जो इंडिया ने, इंडिया का स्टेटमेंट आया आप देख सकते हैं, ANI की ये न्यूज़ है मतलब ट्वीट है, और इसमें बताया गया है कि पीएम ने मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये कहा है कि वॉर से कुछ नहीं होने वाला है, वॉर करके कुछ नहीं होगा, जो भी मुद्दे हैं, जो भी मतलब खमियाँ हैं, जो भी लड़ाइयाँ चल रही है, उसको हम डायलॉग के थ्रू सिंसियरली रिजॉल्व कर सकते हैं, बस बात बात करके ही मुद्दे को सुलझाया जा सकता है, लड़ाई का कोई इसमें काम नहीं है दोस्तों। लेकिन बताना चाहता हूँ अमेरिका लगातार प्रेशर बना रहा है इंडिया के ऊपर कि इंडिया कंडेम करे रसिया को। रसिया को क्यों कंडेम करे, क्योंकि अगर इंडिया करेगा तो इंडिया एक बड़ा डेमोक्रेसी है और इंडिया अब एक अच्छा पोजीशन होल्ड कर रहा है विश्व में। और आपको पता है इस टाइम हमारे पास UNSC की सीट भी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसका हम नॉन परमानेंट मेंबर भी हैं इस टाइम। तो अमेरिका चाहता है कि इंडिया कुछ प्रेशर बनाए रसिया के ऊपर, लेकिन इंडिया ने अभी तक पब्लिकली कंडेम नहीं किया है रसिया को, और हम लगातार डिप्लोमेटिक चैनल्स का यूज कर रहे हैं, डिप्लोमेटिकली मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थी रिसेंट डेवलपमेंट दोस्तों। लेकिन अब मैं आपको वो दिखाता हूँ कि ये जो अटैक है वो कहाँ से हुआ है। तो दोस्तों ये अटैक जो हुआ है रसिया के ऊपर वो बाई एयर, लैंड और सी तीनों तरफ से किया गया है। बाई एयर मैं बताना चाहता हूँ, देखिए कि कहाँ से किया गया है। ये है मैप, और इसमें जो ये एरिया है खरकीव का एरिया जो रसिया से लग रहा है, इस एरिए में बाई एयर जो है अटैक किया गया है मिसाइल से, और जो एयरक्राफ्ट है कैरियर उनसे किया गया है। दूसरा जो बाई लैंड अटैक किया गया दोस्तों वो क्रीमिया से किया गया है। देखिए आप, ये क्रीमिया पेनिनसुला है, आप यहाँ पर ये डॉटेड लाइन देख सकते हैं, यहाँ डॉटेड लाइन है गूगल मैप पर। ये इसलिए है क्योंकि ये एक डिस्प्यूटेड रीजन है जिसको रसिया ने 2014 में छीन लिया था। इसकी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों, मतलब यूं भी कह सकते हैं कि ये छीन भी लिया था और नहीं भी छीना था, क्योंकि यहाँ पर एक रेफरेंडम करवाया गया था और जिसमें लोगों ने रसिया के साथ रहने की बात की गई की थी। मतलब वो उन्होंने बोला था कि अब हम यूक्रेन के साथ नहीं रहना चाहते हैं, इस क्रीमिया के लोगों ने बोला था अब हम रसिया के साथ रहना चाहते हैं। तो इसकी एक अलग स्टोरी है, मैं कभी आपको और बताऊंगा। लेकिन अभी आप ये समझिए कि ये जो बाई लैंड अटैक किया गया है यूक्रेन के ऊपर वो किया गया है क्रीमिया से। ये तो, और बाई सी ये किया गया है दोस्तों, इस सी ऑफ एजोव से किया गया है, डोनेत्स्क रीजन में जो इसका डोनबास रीजन है इसका यूक्रेन का, वहाँ पर बाई सी ऑफ एजोव से किया गया है। तो ये तीनों जो अटैक है दोस्तों, बाई लैंड, बाई एयर, बाई सी, रसिया ने लॉन्च किया है, और ये बहुत ही ज़्यादा डिवास्टेटिंग है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। आप देख सकते हैं ये मैप में कुछ आपको रेड कलर में दिख रहा होगा, यानी कि पूरे ही यूक्रेन में हर जगह धमाकों की आवाज़ें आ रही है। आप देख सकते हैं ये जो कीव है, राजधानी है यूक्रेन की, यहाँ पर भी धमाकों की क्या कहते हैं कि आवाज़ें आई हैं। और जो भी आपको रेड डॉट दिख रहे हैं ये वो एरिया है जहाँ पर रसिया ऑलरेडी अटैक कर चुका है। और आप ये देखिए, ये जो ऑरेंज में आपको दो रीजन दिख रहे हैं, ये मैं वही बात कर रहा था जो डोनबास के रीजन है, उन एरिए में पहले ही सेपरेटिस्ट फोर्सेस कंट्रोल में ले चुकी हैं इस एरिए को, और रसिया ने भी इसको इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया है। तो ये थी दोस्तों अभी अटैक की खबर। और ऑलरेडी जो क्यू है, वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ पर भी अटैक किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यूक्रेन इस टाइम बहुत ही ज़्यादा खतरे में है, और जो वहाँ का पूरा मतलब सिस्टम है वो हिल चुका है, आप देख सकते हैं ये दोस्तों। अब मैं बात करूंगा कि ये अटैक रसिया ने क्यों किया है। तो इसके पीछे दो रीज़न है दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा मजबूत रीज़न है, दो हैं। एक है 2014 से चली आ रही लड़ाई यूक्रेन के साथ। ऐसा क्या हुआ था 2014 में, तो दोस्तों बताना चाहता हूँ 2014 में क्या हुआ था कि जो प्रो रशियन प्रेसिडेंट थे यूक्रेन के, उनको एक प्रोटेस्ट में हटा दिया गया था, एक वॉयलेंट प्रोटेस्ट करके उनको हटा दिया गया था 2014 में। तो जब प्रो रशियन प्रेसिडेंट जब यूक्रेन से हटे, जो रसिया के अच्छे मित्र थे, रसिया वाले कैटेगरी के थे, उनको जब हटाया गया, तो वहाँ पर जब ये हटे तो यूक्रेन और रसिया दोनों के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने शुरू हो गए दोस्तों। और 2014 से ही ये लड़ाई चली आ रही है, और अभी तक इसका कोई क्लाइमेक्स आया नहीं है, इसमें छोटे छोटे एपिसोड होते रहते हैं। 2014 में क्या किया, जब इस प्रो रशियन प्रेसिडेंट को यूक्रेन से हटाया गया, तो क्या रसिया ने इसका जो जवाब है वो इस तरीके से दिया कि उसने क्रीमिया को कब्जा लिया, क्रीमिया में वॉयलेंट प्रोटेस्ट करवाया गया, क्रीमिया में यूक्रेन के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा नारेबाजी की गई और एक बड़ा आंदोलन चला, और क्रीमिया में रेफरेंडम करवा के रसिया ने क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया। तो ये
ये क्या कहते हैं रिस्पॉन्स था 2014 में जब यूक्रेन के प्रो रशियन प्रेसिडेंट को हटाया गया, तो वहां से ही इन दोनों के रिलेशंस बहुत ही ज्यादा खराब होने शुरू हो गए। दोस्तों बताना चाहता हूँ 2014 में भी वेस्ट ने, जो वेस्टर्न पावर्स हैं अमेरिका और इसके वेस्टर्न यूरोपियन अलाइज, तो इन दोनों ने क्या किया था इसके ऊपर, रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगाए थे, लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता सैंक्शन का कुछ मतलब, जो भी इकोनॉमिक सैंक्शन लगे उसका ज्यादा इफेक्ट पड़ा रशिया के ऊपर, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर सैंक्शन लगाया जाता और कुछ इफेक्ट पड़ता तो अभी तक इतना बड़ा कदम रशिया नहीं उठा सकता कि दोबारा अटैक कर दे, वो भी पूरे यूक्रेन के ऊपर। तो क्रीमिया को कब्जा किया था 2014 में, ये इसका जवाब था किसका, प्रो रशियन प्रेसिडेंट को, जब यूक्रेन से हटाया गया। उस टाइम से ही बहुत ही ज्यादा रिश्ते खराब हो चुके हैं दोस्तों, और जो भी रशियन बॉर्डर्स पे यूक्रेनियन एरियाज हैं उनमें लगातार सेपरेटिस्ट जो मूवमेंट है वो चल रहे हैं, यूक्रेनियन फोर्सेस और सेपरेटिस्ट से लड़ाइयाँ चल रही हैं। आप ये देख सकते हैं दो रीजन, जो आप ये देख सकते हैं दोनस्टेक रीजन और लुहानस्क रीजन, दोनों में ही सेपरेटिस्ट फोर्सेस कंट्रोल में है। इतने बड़े एरिया को एक सेपरेटिस्ट ने कंट्रोल में ले लिया है, और अब तक इस लड़ाई में लोगों 2014 लोग सॉरी 14,000 लोगों की जान जा चुकी है दोस्तों। अब मैं ये दूसरा इसका रीजन बताना चाहूंगा दोस्तों, दूसरा रीजन है नेटो का एक्सपेंशन। दोस्तों बताना चाहूंगा जो नेटो है ये वर्ल्ड वॉर के बाद बनी एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इस दुनिया की मतलब पूरे अर्थ की सबसे बड़ी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिट्री एक इंटर गवर्नमेंटल अलायंस है। आप देख सकते हैं ये अलायंस आप 1949 में बनी थी, यानी कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद बनी थी। इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। दोस्तों जो नेटो है उसका मैंडेट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मैं बताना चाहता हूँ। नेटो का मैंडेट ये है दोस्तों कि नेटो ने ये बोल रखा है कि अगर किसी भी नेटो मेंबर पर हमला किया जाता है, कोई भी अटैक किया जाता है, तो वो अटैक पूरे नेटो मेंबर पर माना जाएगा। यानी आप देख सकते हैं अगर मान लीजिए एक कंट्री पर अटैक हुआ, आप फॉर एग्जांपल लिथुआनिया ले लेते हैं, ये ऊपर की तरफ है, लिथुआनिया एक यूरोपियन कंट्री है, इस पर अटैक किया गया रशिया की तरफ से, तो ये अटैक पूरे नेटो मेंबर पर माना जाएगा। आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा एरिया है नेटो मेंबर्स का, कितने सारे कंट्रीज है, और साथ में अमेरिका भी है दोस्तों। तो इसका डर सताता रहा रसिया को कि कहीं नेटो इसको चारों तरफ से घेर ले, और जो इसका हेजमनी है, जो इसका पावर है, जो इसकी एक वर्ल्ड लेवल पर इमेज है, उसको कहीं ना तोड़ दे। आप देख सकते हैं ये रशियन प्रेसिडेंट का क्या यहाँ पर स्टेटमेंट है, लेट्स इमेजिन यूक्रेन इज अ नेटो मेंबर एंड स्टार्ट दिस मिलिट्री ऑपरेशंस, आर वी सपोज टू गो टू वॉर विद द नेटो ब्लॉक। आप देख सकते हैं ये बोल रहे हैं कि अगर हमने मान लो ये इन्वेजन स्टार्ट किया होता कब, जब यूक्रेन नेटो मेंबर होता, तो हम सिर्फ यूक्रेन से नहीं लड़ रहे होते, पूरे नेटो से लड़ रहे होते हैं। तो ये जो डर है दोस्तों कि नेटो चारों तरफ से रसिया को घेर लेगा, ये उसी का जवाब है। और रसिया बार बार नेटो को ये मतलब क्या कहते हैं कि नेटो जो अलायंस है उसको बार बार ये धमकियां देता रहा कि बस अब तुम बस करो, अब अपने एक्सपेंशन को मत फैलाओ और ज़्यादा मेंबर मत बनाओ। आप देख सकते हैं दोस्तों इस मैप में दिखाया गया नेटो एक्सपेंशन सिंस 1997, वो कंट्रीज जिन्होंने नेटो को पहले ज्वाइन किया था यानी कोल्ड वॉर के टाइम ज्वाइन किया था, और दूसरा वो कंट्री जो नेटो को 1997 के बाद जिन्होंने ज्वाइन किया था। तो आप देख सकते हैं जो भी रशियन बॉर्डर्स पे कंट्री है, मतलब ज़्यादातर कंट्री ये लातविया लिथुआनिया और इसके अलावा रोमानिया हंगरी ये सब बुल्गारिया, ये सारी कंट्रीज कहाँ आती है, रशियन एरियाज में आती हैं, जो रशिया के प्रभाव वाले एरिया हैं उनमें आती हैं। तो इन सभी कंट्री ने नेटो को कब ज्वाइन किया था, ये 1997 के बाद। तो 1997 के बाद आप देख सकते हैं कि कितने सारे मेंबर हो चुके हैं, और अभी 2019-18 के बाद से यानी अब तक 2022 तक कोशिश की जा रही थी कि यूक्रेन को भी नेटो में शामिल कर लिया जाए। यही कारण है दोस्तों रशिया बिल्कुल नहीं चाहता है कि यूक्रेन नेटो का मेंबर बने। अगर यूक्रेन नेटो मेंबर बन गया तो ये रशिया के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब डिप्लोमेटिकली बहुत बड़ी हार होगी और मिलिट्रीली भी, क्योंकि रशिया फिर कुछ नहीं कर सकता, रशिया अपने हेजोमनी को यहाँ नहीं दिखा सकता, अपने पावर को नहीं दिखा सकता। जैसे उसने क्रीमिया को कब्जाया, अगर ये कब्जा यूक्रेन के नेटो में होने से होता तो रशिया के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती दोस्तों। ये दो रीजन है, प्रो रशियन प्रेसिडेंट को हटाना 2014 में और नेटो का एक्सपेंशन, ये दो रीजन है जिसके चलते